हे द लुईस, हाउ आर यू ऑल? हैप्पी फुल मून डे टू ऑल ऑफ यू. कल है हमारा फुल मून डे और कल हम सब लोग, दैट इज 6th of January को हम सब लोग करने वाले हैं फुल मून के रिचुअल्स. लेकिन ये वाला फुल मून बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वुल्फ मून है और हम सबको मिलकर साथ में एक बहुत स्पेशल रिचुअल करना है. क्योंकि जब कुछ स्पेशल, कुछ खास होता है तो हम चीज़ें करते तो हैं. प्रदोष आता है तो प्रदोष का रिचुअल करते हैं, फुल मून आता है तो फुल मून का रिचुअल करते हैं. बहुत सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं, यू नो, टू मेक थिंग्स ब्यूटिफुल, टू मेक थिंग्स फेवरेबल. लेकिन आज हम कुछ खास करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्या करना है आपको फुल मून डे. सो बेसिकली जैसा आप फुल मून हर महीने मनाते हैं, दैट इज बेली रिचुअल करना, मेरे साथ रात को स्पेल करना, वो हम सब करेंगे फॉर श्योर. यूट्यूब पे सारी चीज़ें आपको मैं अवेलेबल कराऊंगी, बस आपको ध्यान से देखना है, समझना है. कल दोपहर को 2 बजे लेकर आऊंगी रीडिंग्स, कल रात को 8 बजे लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए एक स्पेल जो आप कर सकते हैं. अगर आप बेली रिचुअल नहीं कर सकते किसी कारणवश तो आप स्पेल भी कर सकते हैं. जो मैं स्पेल कराऊंगी वो मेडिटेशन के फॉर्म में कराऊंगी, तो पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. लेकिन कल एक खास चीज आपको करना है, बहुत खास चीज. और सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, आप इसे कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम ऑफ द डे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी कर सकते हैं. कल अच्छे से नहा धो लें, कल सबको बहुत अच्छे से नहाना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल क्लीन करना है. सबसे इम्पॉर्टेंट पहली चीज़, मून वाटर अगर बनाते हैं तो बिल्कुल उसको कंटिन्यू रखें, मून वाटर बनाना बिल्कुल भी ना भूलें. मून वाटर नहीं बनाते तो वाटर थेरेपी कल करना बिल्कुल भी ना भूलें. मैंने सारे वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं. अब आप लोग का कोई एक मेन गोल, टॉपिक पर आती हूँ, कोई भी एक मेन विश जो आप पूरी करना चाहते हो, कोई भी एक मेन विश जिसको आप अपनी तरफ से पूरा करना चाहते हो, वो लव लाइफ होती है, मैरिज, जॉब, करियर, एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी आपकी विश, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन कोई भी एक विश लेना है. अब यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे लोग पूछते हैं एक ही विश क्यों लेना है, मल्टीपल विश क्यों ना ले. आप चाहे तो मल्टीपल विश भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा वन बाय वन चलना चाहिए. पहले एक विश हो जाए फिर दूसरी विश पे काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, फिर से आएगा अगले महीने फुल मून, न्यू मून आएगा. बस हमें एक ही विश लेना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक विश लेना है. वो कोई भी हो सकती है, किसी और के लिए भी अगर आप करना चाहते हो तो आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं, उनके लिए भी विश ले सकते हैं. आपको क्या करना है, एक जगह आराम से शांति से बैठ जाइए. वो आपकी कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो सकती है, आपका रूम हो सकता है, आपका बेड हो सकता है, एनीवेयर, बस शांति से एक जगह बैठ जाइए. अपनी कोई भी विश के बारे में सोचिए जो आप पूरा करना चाहते हैं, और आपको यही बोलना है यूनिवर्स को, डियरेस्ट यूनिवर्स, इट्स अ फुल मून डे, हैप्पी फुल मून टू यू. डियरेस्ट वुल्फ, मेरे प्यारे वुल्फ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरी विश, जो भी आपकी स्पेसिफिक विश है जो आप पूरा करना चाहते हो, आपको बोलना है मेरी ये स्पेसिफिक विश, आप अपनी विश बोलें. उसके बाद आपको 108 बार, 108 टाइम्स वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ की चैंटिंग करना है. आई रिपीट, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरी इच्छा है, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ, तो आप ऐसे बोलना, डियरेस्ट वुल्फ, मैं चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आई एम डैम श्योर कि अब आप मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी करोगे. फिर वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है. ऐसे भी बोल सकते हो, बार बार विश नहीं बोलना है तो, थैंक यू वुल्फ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ऐसे करके बोल सकते हो. आपको इसको कल 108 बार चैंट करना है, 108 टाइम्स आप इसकी चैंटिंग करेंगे. जब आप इसकी चैंटिंग करेंगे आपको ऑटोमेटिकली अंतर दिखने लग जाएगा, आपकी विश इंस्टेंटली पूरी होने लग जाएगी. कल वुल्फ स्पेल आपको जरूर करना है, नहीं कर पाते तो आप ये करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ. I'm so sorry, आज यहाँ इतनी ठंड है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ठंड है आज, मतलब आज रिकॉर्ड तोड़ ठंड हो रही है यहाँ पर. सीरियसली आज मेरे को बहुत ठंड लग रही है, बहुत हिम्मत के साथ वीडियो बना रही हूँ, ऐसा लग रहा है रजाई में बस बैठ जाऊँ और सब काम बंद कर दूँ. ओके, सो बैक टू द पॉइंट, आपको वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का चैंटिंग करना है, 108 बार आपको इसको चैंट करना है.
When you will be chanting this, आप automatically अपनी wish को पूरा होते हुए देखोगे और divine आपके लिए work automatically कर ही रहे हैं। बाकी जो बेली रिचुअल आप करते हो बिल्कुल करो, कोई इशू नहीं है। जो स्पेल मैं कराती हूँ वो आप करिए, लेकिन कल आपको इसको करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि कल आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो सकती है अगर आप कल वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ की चैंटिंग करते हैं अपनी कोई भी स्पेसिफिक विश के लिए। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप आप लोग समझोगे, कल इसको करोगे। आई एम डैम श्योर व्हेन यू विल बी डूइंग दिस आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों में अंतर दिखेगा। पीरियड्स में भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट करना है। अगर आप लिख के करना चाहते हो लिख के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जेन्युइनली बस एक जगह आराम से बैठ जाओ और वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ की चैंटिंग करना है। अब आप नहीं कर पा रहे हो चैंटिंग, तो मैं कल आपके लिए 11-11 सीरीज पे स्पेसिफिकली एक वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ की चैंटिंग पोस्ट करने वाली हूँ, तो कल आप उसको भी सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पूरे दिन आप सुन सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उसको सुनोगे आपको अपने आप अंतर दिखेंगे, बट यू विल बी डूइंग दिस टुमारो फॉर श्योर। बाकी जो अपनी रिचुअल रेमेडीज आप करना पसंद करते हैं, पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, उसको डेली करिए। कल पूर्णिमा है, बहुत बड़ी पूर्णिमा है, पहली पूर्णिमा है साल की, तो फुल मून है, तो इसको करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ कल मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी कैंडल वैक्स रीडिंग और रिचुअल। शाम को 8 बजे मैं आप लोग के लिए पोस्ट करूँगी स्पेल, जिसको आप सिर्फ सुनकर अपनी विश पूरी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरी लवीज आर्मी के लिए, तो उसको जरूर करें, पूरे दिन में कभी भी करें, बैठे हुए चलते हुए, बस आपको इसको करना है, चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है और वुल्फ को जरूर थैंक यू बोलना है। राधे राधे।